किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कंवरपाल सिंह है। मैं यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पुष्प विज्ञान एवं भूदर्शन निर्माण संभाग का अध्यक्ष एवं प्राध्यापक हूँ। साइज आप देख रहे हैं, बिल्कुल माला के लिए, लूज फ्लावर के लिए बहुत अच्छा फूल है। रंग कितना इसका आकर्षक कलर है, पीले रंग। ये दोनों प्रजातियाँ बहुत ही लोकप्रिय हैं किसानों में और बाजार में बड़ी मांग है इसकी। लैंडस्केपिंग मॉडल, आजकल लैंडस्केपिंग भी बहुत बढ़िया ये धंधा बन गया, जिसमें अच्छे जो किसान भाई अच्छा पैसा कमाते हैं। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं डहेलिया की फसल है, कितना बड़ा इसका सप्लाई हम यहीं आने पे ही देते हैं, लेकिन जैसे बीज वगैरह जो आसानी भेजा सकते हैं भेज भी देते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। तो किसान साथियों, जैसे कि मैं अभी दिल्ली में हूँ, दिल्ली में बहुत बड़ा यहाँ पर मेला लग चुका है और मेले में मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और मेले में यहाँ पर बहुत सारे फूल वगैरह है, जैसे कि मेले में यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पर फूल है सीड से, इसके बारे में हम पूरा डॉक्टर साहब से जान लेंगे। डॉक्टर साहब अपना परिचय देकर इसके बारे में पूरा आपको रूबरू कर लेंगे। तो किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कंवरपाल सिंह है। मैं यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पुष्प विज्ञान एवं भूदर्शन निर्माण संभाग का अध्यक्ष एवं प्राध्यापक हूँ। और आज हमारे यहाँ 3 दिन का ये मेला लग रहा है, जो कल से चल रहा है और कल तक चलेगा 3 दिन, 2, 3, 4 मार्च 2023 को आयोजित हो रहा है। तो इसमें हमने अपने फ्लोरिकल्चर जो फ्लावर क्रॉप्स हैं उनका यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट लगाया है, उसमें हमने यहाँ कुछ फसलें उगाई हुई हैं, लैंडस्केपिंग का मॉडल भी बनाया हुआ है। अभी आप देख रहे हैं सामने ये ग्लेलस की फसल लगी हुई है, जो कि इस समय फ्लावरिंग में है। और ये काफ़ी प्रजातियां हमारे यहाँ की इस संस्थान से निकली हुई हैं, लाल रंग में है, सफ़ेद रंग में है और ये मोव कलर में है, और डिफरेंट कलर्स में इसकी डिमांड रहती है बाज़ार में पूरे साल। तो ये मैदानी भागों में अभी इस समय फूल आता है और जो गर्मी पड़ती है उस टाइम पर भी पहाड़ों में चलता है। इस प्रकार से पूरे साल इसकी सप्लाई रहती है और बाज़ार में हर समय फूल की सप्लाई रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। इसका एक बार हमने रोपण कर लिया, लगाया तो ये कितने टाइम तक चलता है? ये एक बार लगाने के बाद करीब ये 3 से 4 महीने में इसमें फूल आना शुरू हो जाता है, होता है और करीब 1 महीने के लगभग ये इसकी फूल आता है। तो इसको हम ज्यादा समय बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसको कई शिफ्टों में लगा लेते हैं, एक एक महीने के अंतराल पर। जैसे हम आप पहली फसल अगस्त में लगा दीजिए, फिर सितंबर में लगा दीजिए, फिर अक्टूबर में लगा दीजिए, तो एक एक महीने के अंतराल पर आप इसको इसका जो फ्लावरिंग टाइम है 3 महीने तक बढ़ा सकते हैं। तो आपको जो बाजार है वो ज्यादा समय तक आप बाजार को कैप्चर कर सकते हैं और आपको फिर अच्छे दाम भी मिलेंगे उसमें, जब अलग अलग समय में बेचेंगे, क्योंकि हर समय रेट एक जैसा नहीं रहता फूलों में। ये खास बात है कि कभी रेट ज्यादा रहता है, कभी कम रहता है, जब त्यौहार होते हैं जब ज्यादा रहता है, जब नहीं होते तब रेट कम हो जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि किस समय पे जो बीज की फूल की मांग होती है उसी हिसाब से उसको अपने प्लानिंग करके चलें। दूसरी एक फसल ये गेंदे की है, हमारे संस्थान ने 2 अच्छी जो प्रजातियां निकली हैं, ये पूसा बाहर प्रजाति है जो पीले रंग की आप देख रहे हैं, इसका फूल बहुत बड़े साइज का है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका जो फूल है, बहुत ही देखेंगे गोल मोल सा है ये, और ये इसका साइज आप देख रहे हैं, बिल्कुल माला के लिए, लूज फ्लावर के लिए बहुत अच्छा फूल है। रंग कितना इसका आकर्षक कलर है, पीले रंग का। और दूसरी प्रजाति हमारी ये नारंगी रंग की है, तो दो कलर ये काफ़ी पॉपुलर होते हैं इसमें, ये नारंगी रंग की प्रजाति है। तो दोनों प्रजातियाँ बहुत ही लोकप्रिय हैं किसानों में और बाजार में बड़ी मांग है इसकी। तो ये दोनों प्रजाति बीज भी हम उपलब्ध कराते हैं किसान भाइयों को, और जिसको किसी को चाहिए तो हम हमारे संभाग में संपर्क करें, हम उनको बीज का देंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमने बहुत सारी वैरायटीज घूमकर देखी है जी, तो कितने टाइप के यहाँ पर फ्लावर है आपके पास? इनके अलावा हमने यहाँ पे हमारे गुलाब भी हम लगाते हैं, जो कि हमने यहाँ लगाया नहीं है, हमारे जो मेन फार्म वहाँ पे लगा हुआ है। गुलदावदी लगाते हैं, गुलदावदी का भी सीजन नहीं है क्योंकि अक्टूबर नवंबर में उसकी फ्लावरिंग होकर खत्म हो जाती है। और बोगनविलिया है, रजनीगंधा है, ये फसलें भी हम लेते हैं। उसके अलावा हमारा जो ये आप देख रहे हैं इधर, ये गार्डन सेक्शन है जिसमें हम लैंडस्केपिंग मॉडल, आजकल लैंडस्केपिंग भी बहुत बढ़िया ये धंधा बन गया, जिसमें अच्छे जो किसान भाई अच्छा पैसा कमाते हैं। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं डहेलिया की फसल है, कितना बड़ा इसका फूल है, ये गार्डन के लिए होता है। नीचे वो सालविया है लाल रंग का, ये क्रोटोन है जो फूलेज प्लांट में आता है, जो सदाबहार रहता पूरे साल रहता है। उधर पिटूनिया लगा हुआ डिफरेंट कलर में, सफ़ेद है, नारंगी है और पर्पल कलर में है। तो ऐसे ही करके
बहुत सारी यहाँ फसलें लगी हुई है, ग्रास लगी हुई है, लॉन ग्रास। और उसके अलावा आप देख रहे हैं ये जो फूल से हमने डेकोरेट किया हुआ है, ये इसको फ्लोरल क्राफ्ट बोलते हैं, मतलब फूल से सजावट कैसे करते हैं। ये भी एक गार्डन का एक सजावट वाला आकर्षण केंद्र बन जाता है। तो अलग शेप में जैसे जिराफ हैं, उधर कंगारू हैं, और ये हंस हैं, उसका जोड़ा, ऐसे करके हमारे फूलों की जो लूज फ्लावर की भी काफ़ी डिमांड रहती है, और कट फ्लावर में भी, कट फ्लावर में बुके वगैरह बनाते हैं। दूसरा हमारा ये कुछ नर्सरी सेक्शन है जिसमें हम पौधे जो रहते हैं इनको हम घरों में सजाने के लिए इंडोर आउटडोर, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा बिजनेस आजकल जो युवा लोग अपना रहे हैं। तो ये सब हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है किसानों की जानकारी के लिए। अभी बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर देखकर सुनकर। तो अभी पूरे भारतवर्ष के किसान ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वीडियो देखकर किसानों का भी, बहुत फार्मर का भी मन ऐसा होगा कि ये चीज़ें भी हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए, किसी को कोई भी पसंद होगा। तो ऑल ओवर इंडिया से इसका डिमांड आता है, किसी की मांग आती है, तो इसका सप्लाई होता है क्या? ज्यादातर तो सप्लाई हम यहीं आने पे ही देते हैं, लेकिन जैसे बीज वगैरह जो आसानी भेजा सकता हूँ, भेज भी देते हैं। तो वो किसान भाई हमसे संपर्क करें, हम लोग, हमारा नंबर लिख लीजिए ऑफिस का एक बार, पता और नंबर आप। हमारा जो ऑफिस का नंबर है 011-2584-1929, ये हमारे ऑफिस का नंबर है। और पता है पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली 11-00-12। धन्यवाद सर, नमस्कार। मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी जानकारी आपने किसानों के दी, इसीलिए मैं आपका तो दिल से यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। तो किसान साथियों, और भी मेले में बहुत सारे बहुत बहुत अलग अलग फसल है, अलग अलग किसानों ने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूंगा। तो तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, इससे क्या होगा कि ऐसी आने वाले वीडियोज आपको देखने को मिलेगी।